हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। आज हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं जैसे UPSC हैं, SSC हैं, PSC हैं, SSB हैं, रेलवे का एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कभी कभी इसमें एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही ईजी टॉपिक हैं। हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, हाउ वी विल स्टडी दिस टॉपिक इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ लेक एंड टाइप्स ऑफ लेक्स। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जब भी आप लेक्स के बारे में पढ़ोगे। ओके, सो इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इस टॉपिक को। उसके बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली द स्टेट लेवल एग्जाम्स जितने भी हैं उनमें से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, द फर्स्ट फैक्ट्स अबाउट लेक्स ऑफ इंडिया। ओके, द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ओके, हाईएस्ट लेक कौन सी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये, आपको वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए दिस टॉपिक। ओके, इस पे आप अच्छे से फोकस करोगे, फर्स्ट फैक्ट्स अबाउट लेक्स ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज आवर मेन टॉपिक। और चूंकि इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत सारी लेक्स हैं इंडिया में, और जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी पढ़ोगे बहुत सारी लेक्स ऑफ पढ़ोगे। और मैं आज आपको गारंटी देता हूँ जो मैंने अप्रोच यूज़ किया है बहुत ही इजी है। ओके, और ये है कि आपको समझ में आएगा और आपको खासकर याद भी रहेंगी चीज़ें अच्छे से। ओके, सो हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है। उसके बाद फाइनली वी विल डिस्कस द MCQs ऑन लेक्स ऑफ इंडिया। और मैं हमेशा बोलता हूँ MCQs किया करो क्योंकि MCQs से एक तो नॉलेज, एक तो रिवीजन हो जाता है, नॉलेज आपकी बढ़ती है, कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है एग्जाम्स में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लेक। लेक होती क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। ओके, सो अ लेक इज एनी रिलेटिवली लार्ज बॉडी ऑफ मूविंग और स्टैंडिंग वाटर। ओके, एनी रिलेटिवली लार्ज बॉडी ऑफ स्लो मूविंग और स्टैंडिंग वाटर दैट ऑक्यूपाइज एन इनलैंड बेसन ऑफ एप्रिशिएबल साइज। ओके, इनलैंड बेसन डिप्रेशन। ओके, कहीं पे डिप्रेशन होता है वहाँ पे पानी जमा होता है, या तो ये स्लो मूविंग होता है या स्टैंडिंग होता है। ओके, स्टैंडिंग और स्लो मूविंग, क्योंकि बहुत सारी लेक्स ऐसी हैं जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर भी हैं। ओके, एंड इट इज ए रिलेटिवली लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। ओके, दैट इज अ लेक। ओके, और बहुत ही ईजी चीज आप याद रखो, अगर ये पांच चीजें जो हैं की फीचर्स दैट डिफाइन द लेक, एक ये पांच चीजें हैं, जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ते हैं। लेक्स आर इन डिप्रेशन, इनलैंड डिप्रेशन फिल्ड विथ वाटर। ओके, ये इनलैंड बेसिन्स और इनलैंड डिप्रेशन्स होते हैं फिल्ड विथ वाटर। और एक चीज याद रखनी है, इसका साइज अच्छा होना चाहिए, रिलेटिवली लार्जर साइज। ओके, पौंड की जैसा छोटा नहीं होना चाहिए। ओके, लेक्स आर स्टैंडिंग एंड स्लो मूविंग बॉडीज ऑफ वाटर। कुछ लेक्स होते हैं जो स्टैंडिंग होते हैं। ओके, उनमें ना इनलेट होता है ना आउटलेट होता है, सिर्फ उनमें जो रेनफॉल होता है या रेनफॉल होता है उससे पानी आता है, या कई ग्लेशियर से पानी आ जाता है, लेकिन आउटलेट उसमें नहीं होता है। सो दीज आर स्टैंडिंग लेक्स। और कुछ होते हैं, मैक्सिमम लेक्स होती हैं स्लो मूविंग लेक्स होती हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक हैं, तो उसमें आप अगर आप देखोगे सो दैट इज़ अ स्लो मूविंग बॉडी ऑफ वाटर। ओके, सो ऐसे ही लेक्स हैव वास्ट सरफेस एरिया। ओके, दिस इज़ वन मोर फीचर, लेक्स हैव वास्ट सरफेस एरिया। और एक है लेक्स आर होम्स टू कम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक है। ओके, लेक्स आर होम्स टू इम्पॉर्टेंट कम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स। ओके, ये कम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स बनाते हैं और इसकी कल्चरल डेफिनेशन भी हैं, कल्चरल कंसिडरेशंस भी होती हैं। ओके, सो दीज आर द फाइव की फीचर्स दैट डिफाइन ए लेक। और लेक होती क्या है, इट इज़ अ रिलेटिवली लार्जर बॉडी ऑफ वाटर ऑफ स्लोली मूविंग और स्टैंडिंग वाटर दैट ऑक्यूपाइज एंड इनलैंड डिप्रेशन और इनलैंड बेसन ऑफ एप्रिशिएबल साइज। ओके, उसके बाद वट आर द टाइप्स ऑफ लेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देख लीजिए आप फ्रेश वाटर लेक और साल्ट वाटर लेक, ये आपको पता है ये डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। ओके, सो फ्रेश वाटर लेक और साल्ट वाटर लेक। ओके, इसमें साल्ट वाटर लेक ऑब्वियसली इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, और जो फ्रेश वाटर लेक है इसमें साल्ट कंटेंट कम होता है और ये फ्रेश होता है। ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ लेक्स डिफाइन हम करते हैं। और दूसरा है ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन, एक है नेचुरल लेक्स, उसमें आता है ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक क्या होता है, रिवर करता है मैंडरिंग। ओके, ऐसे सांप की तरह चलता है, फिर ये कभी अपनी
डायरेक्शन जो है चेंज करता है, फिर कोई लेक बन जाती है, उसको बोलते हैं ऑक्सपो लेक। ओके, टेक्टोनिक लेक, टेक्टोनिक लेक जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थक्वेक वगैरह, या जो आप प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट्स मूव करते हैं उसकी वजह से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लेक बनती हैं, दैट इज़ द टेक्टोनिक लेक। उसके बाद है क्रेटर लेक्स, क्रेटर लेक्स बनती हैं मीटोराइड जब कभी भी अर्थ पे आता है तो एक क्रेटर बनता है उसकी वजह से लेक बनती हैं, या कभी भी वॉल्केनिक फेलियर होता है उसकी वजह से जो लेक बनती हैं दैट इज़ द क्रेटर लेक। और ग्लेशियर लेक क्या होती है, ये ग्लेशियर्स की वजह से बनती है। ओके, सो इट इज़ ईजी। उसके बाद सेकंड टाइप है, दिस इज़ द वन ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन, ये इसके सब टाइप्स हैं। ओके, उसके बाद सेकंड है आर्टिफिशियल लेक और मैन मेड लेक। ओके, आर्टिफिशियल लेक और मैन मेड लेक्स, ये हम जब रिजर्वायर्स और डैम्स और एम्बार्कमेंट्स बनाते हैं उस वक्त आर्टिफिशियल लेक बनती है। ओके, सो फर्स्ट इज नेचुरल लेक, सेकंड इज आर्टिफिशियल लेक। ओके, और हमने देखा फ्रेश वाटर लेक और सॉल्ट लेक, सॉल्ट वाटर लेक। ओके, दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ लेक्स। ओके, नाउ वी विल मूव टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट फैक्ट्स अबाउट द लेक्स ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जनरल नॉलेज के लिए और जितने भी एग्जाम्स के लिए हैं, कम से कम इतनी नॉलेज आपको लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। ओके, लेट अस मूव टू द फर्स्ट फैक्ट, दैट इज उदयपुर। ओके, उदयपुर इज इन राजस्थान एंड इट इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया। तो याद रख लीजिएगा, उदयपुर इज द सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया, उदयपुर इज इन राजस्थान। ओके, उसके बाद सेकेंड इज नैनीताल, नैनीताल इज नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ओके, नैनीताल इज इन उत्तराखंड, सो याद रख लीजिएगा उदयपुर, ओके, उदयपुर इन राजस्थान और नैनीताल इट इज इन, इट इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ओके, यूएन, ठीक है, यूएन, उदयपुर एंड नैनीताल, दिस इज द सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर एंड नैनीताल इज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो ये दोनों चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। और उसके बाद अब लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हाइएस्ट कौन सी लेक्स हैं इंडिया में, ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इट इज द वुलर लेक। ओके, इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडिया में ही नहीं है बल्कि सारे एशिया में सबसे, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ओके, दैट इज द वुलर लेक एंड इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, उसके बाद है लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक, फ्रेश वाटर तो है उलर और स्लाइन वाटर लेक जो है, लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक दैट इज द छिलका लेक, दैट इज इन उड़ीसा। ओके, दैट इज इन उड़ीसा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ओके, जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे है छिलका लेक, दैट इज द लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, दीज आर ऑल फैक्ट्स। देन लार्जेस्ट इनलैंड स्लाइन वाटर लेक इन इंडिया इज सांबर सॉल्ट लेक इन राजस्थान, ये याद रख लीजिएगा, लार्जेस्ट इनलैंड। ओके, ये तो ऑलमोस्ट कोस्ट के पास है ये वाली लेक। ओके, और जो इनलैंड लेक है लार्जेस्ट, दैट इज सांबर साल्ट लेक इन राजस्थान। ओके, ये तीन फैक्ट्स हो गए। उसके बाद हाईएस्ट लेक इन इंडिया, दैट इज विथ ऑल्टीट्यूड। ओके, हाईएस्ट लेक इन इंडिया इज छोलामू लेक इन सिक्किम, ये याद रख लीजिएगा, छोलामू लेक इन सिक्किम, दैट इज द हाईएस्ट लेक। ओके, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। ओके, एंड वर्ल्ड ऑब्वियसली इंडिया का भी हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक, ये तो हाईएस्ट लेक है that this is fresh, but this is the highest world ki highest salt water lake is Pangong Su. Okay, Pangong Su, Su is a Tibetan word which means lake. Okay, and Pangong Su is in Ladakh, Pangong Su Ladakh mein hai, 1/3 portion iska Ladakh mein hai, India mein hai, aur 2/3 portion iska China mein hai, wo hum aage dekhenge, main aapko bataunga ye. Uske baad longest lake in India, jo longest lake hai India mein, एक तो होता है लार्जेस्ट, दूसरा आता है लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट इज वेम्बनन लेक इन केरला। ओके, देखो लार्जेस्ट, ऐसे लार्जेस्ट फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, दूसरा होता है लॉन्गेस्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट। ओके, सो दिस इज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, सो लार्जेस्ट लेक कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक है छिलका लेक, और लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया इज वेम्बनन लेक इन केरला। ओके, उसके बाद लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, जो ये सारी मैन मेड लेक्स नेचुरल लेक्स हैं ये वाली। ओके, अब जो आर्टिफिशियल लेक हैं, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक दैट इज गोविंद वल्लभ पंत सागर, जिसको बोलते हैं रेहांद, जो रेहान डैम भी जिसको बोलते हैं। ओके, सो इट इज़ द आर्टिफिशियल लेक दैट इज द मैन मेड लेक, विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया इज
गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहान डैम पे हैं, ओके, और इसको रिहान डैम भी बोलते हैं। उसके बाद दीबर लेक, इट इज़ द सेकंड सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ओके, इट इज़ इन राजस्थान, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज़ इन राजस्थान एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज जैसेमंद लेक, ओके, इज अ दीबर लेक, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, ये आप याद रख लीजिएगा, कभी मैंने देखे हैं, इस पर बहुत सा इस पर भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद हैं लूनार लेक, ओके, जैसे क्रेटर लेक, लूनार लेक, इट इज़ इन महाराष्ट्र, ओके, लूनार लेक इज़ ए नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोमेंट, ये याद रख लीजिएगा, ओके। सलाइन सोडा लेक लोकेटेड एट लूनार इन बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ओके, लूनार लेक, इट्स अ क्रेटर लेक, याद रख लीजिएगा, ओके। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, ये आपको किसी भी हालत में ये कम से कम याद होना चाहिए, यहाँ तक ये फैक्ट्स सारे आपको याद होना चाहिए। उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स, नैनीताल द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर, लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक चिल्का, लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट स्लाइन वाटर लेक इज सांबर लेक, लार्जेस्ट highest lake in India with that is with altitude is Cholamu Lake, that largest highest world's highest saltwater lake Pangong Su, okay, longest lake Vimmanand Lake Kerala, largest artificial lake Govind Vallabh Pant Sagar Lake, okay, Dibar Lake, that is the second largest artificial lake, then Lunar Lake, that is in Maharashtra, okay, and Lunar Lake is a notified national geo heritage monument, ओके, सो ये फैक्ट्स अबाउट द लेक्स ऑफ इंडिया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द आवर मेन टॉपिक, दैट इज द इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लेक्स ऑफ इंडिया बहुत सारी इंडिया की लेक्स हैं, ओके, इंडिया वास्ट कंट्री है, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं। अब हम इसमें से जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं वो पढ़ेंगे, और जो मैंने अप्रोच यूज किया है दैट इज़ वेरी यूनिक, नाव आप ऑनलाइन भी नहीं देखोगे कहीं या ऑफलाइन कहीं किसी किताब में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए और आपको अच्छे से याद रहेगा और सिस्टमैटिक सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसके लिए मैंने क्या किया है, हम डिस्कस करेंगे इसको विथ नॉर्दर्न इंडियन स्टेट लेक्स, ओके, देन वेस्टर्न हम पढ़ेंगे अलग से, उसके बाद सेंट्रल, उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न और उसके बाद साउदर्न लेक्स, ओके, इससे हमें याद भी रहेगा और कभी क्वेश्चन भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट इन द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया, विच लेक इज़ इन द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया और वेस्ट साइड और नॉर्थ, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इससे आपको ईजी समझ में आएगा, ओके, और एक एक करके पढ़ेंगे, सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कौन कौन सा आता है, आपका जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ओके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन पंजाब, हरियाणा एंड यूपी आता है, और इसमें से इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, ओके, सो देखिए कितनी लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया देखिए कितनी हैं। पहले ही जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी लेक्स हैं, ऑलमोस्ट सारी जितनी भी लेक्स हैं इन स्टेट्स में वो मैंने यहाँ रखी है, मैक्सिमम लेक्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में है वुलर लेक, डल लेक, मानसबल लेक, आंचर लेक, निगीन लेक, गंगाबल लेक, विशनसर, किशनसर, तारसर, मारसर, गाडसर, मानसर, सुरेंद्रसर, नीलनाग, शीशनाग, कौसरनाग, ये सारी लेक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स, दैट इज वुलर लेक एंड डल लेक, ये हम आगे ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे ये लेक्स, ओके, और मैंने ये हाईलाइट किया है कौन कौन से हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक चीज़ यहाँ याद रख लीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से नाग जहाँ भी आएगा, जैसे नील नाग, शीश नाग, कौसर नाग, ओके, दैट इज़ अ लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, ओके, सो आप इसको गैस कर सकते हैं सीधे अगर कभी आएगा ये लेक कहाँ पे है, और अगर उसको नाग पीछे से हैं दैट इज़ इन द जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद है सार, जैसे विशन सार, किशन सार, तार सार, मार सार, गाड सार, मान सार, सुरन सार, ओके, दिस इज ऑल्सो विथ रिलेटेड विथ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट दिस, हिमाचल प्रदेश की जो दो लेक्स हैं दैट इज धनसार एंड रिवालसार, दीज आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल, ओके। इसी तरह जब हम उत्तराखंड पढ़ेंगे उसके बाद ताल जहाँ भी मिलेगा दैट इज लेक इन उत्तराखंड, जैसे भीम ताल, ओके, दूधी ताल, सात ताल, नानी ताल, ठीक है, ये सारे हैं ताल और ये हैं उत्तराखंड में। एक्सेप्शन्स क्या है इसके, ये हिमाचल प्रदेश की फिर से दो लेक्स हैं दैट इज चंद्रा ताल, ओके, और सूरज ताल, ओके, ये चंद्रा ताल, चांद और सूरज आप याद रख लीजिएगा, ये दो एक्सेप्शन्स है ताल के, उत्तराखंड के ताल को, ओके, और उसके बाद जो नाग और सार, ये जम्मू एंड कश्मीर,
ओके, और दो एक्सेप्शन सार के यहाँ पे हैं, रिनसार एंड रिनवल सार, ओके। और उसके बाद लद्दाख की जो लेक्स हैं, पैंगोंग सू, सू मीन्स लेक, ओके। सो ये तिब्बतियन वर्ड हैं, ओके, जहाँ भी तिब्बतियन कल्चर का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे यही नाम आप पाओगे, पैंगोंग सू और सू मुरी, ये लद्दाख की लेक्स हैं, ओके। उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, ओके, पंजाब की हैं, हरिका, सुखना लेक, ओके, कांजली वेटलैंड, रूपार, ये पंजाब की हैं, उसके बाद हरियाणा की भी हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की भी मैंने सारी लेक्स यहाँ, मैक्सिमम लेक्स रखी है यहाँ पे, सारी नहीं है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम है, ओके। एंड गोविंद बल्लभ पंत सागर ये मैंने बताया है, ज़रा याद कर लीजिएगा आप, दिस इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, ओके। सो अब हम इनमें से जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द डल लेक, सॉरी वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये हमें पता है, इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको याद रखना है। और दिस इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, सो ऑब्वियसली इंडिया में भी है, ओके। अब ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा एंड बारामूला बोथ, ओके। बांडीपोरा में भी है ये, और ये बारामूला में भी है, बिटवीन सोपोर एंड बांडीपोरा, सोपोर इज़ द पार्ट ऑफ बारामूला, ओके। सो कभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आता है, सो दिस इज़ इन बांडीपोरा एंड बारामूला, ओके। और दिस लेक वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, सो हमने टाइप्स ऑफ लेक्स लेक्स पढ़ा था, सो इट इज़ अ टेक्टोनिक लेक, ओके, इट इज़ अ टेक्टोनिक लेक। इट इज़ मेनली फेड बाय द जहलम रिवर, जहलम रिवर मेनली, देखिए यहाँ से दिस इज़ द जहलम रिवर, ओके, फिर इस लेक में चला जाता है और यहाँ से सोपोर बारामूला साइड से ये वापस निकलता है, ओके। अदर स्ट्रीम्स जो हैं यहाँ पे, दैट इज़ मधुमती, इरिन, एरा, उसके बाद बांडीपोरा, दीज आर वन अदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम्स इन द वुलर लेक, ओके। और इसका जो नाम है इसको बोलते थे महापद्मा सरस, महापद्मा सारस इसका जो एंशंट नेम है, ओके। सो कभी क्वेश्चन अगर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक वॉज नोन इन द एंशंट टाइम्स एज महापद्मा सारस, ओके, जो पद्मा अवार्ड्स ऐसे आप याद रख सकते हो, ओके। सो इट इज़ द वुलर लेक विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड इन एशिया, ओके। सो ये इट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा एंड बारामूला, बिटवीन दीज डिस्ट्रिक्ट। देन इज द डल लेक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू टूरिस्ट, ओके। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इसकी लोकेशन जो है, दैट इज़ इन द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ द श्रीनगर, एट द फुट ऑफ जबरवन माउंटेन्स एंड इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल लेक्स इन द वर्ल्ड, डल लेक, बहुत ही फेमस है ये। इसको बोलते हैं जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर जिवल और लेक पार एक्सलेंस, इसको डब्ल्यू आर लॉरेंस ने बोला है, जिसने वैली ऑफ कश्मीर बुक लिखी है उसमें इसको बोला है लेक पार एक्सलेंस, ओके। सो इट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, ओके, दिस इज़ द डल लेक, वन ऑफ द फेमस लेक्स इन द इंडिया, इन फैक्ट इन द वर्ल्ड। देन पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक के बारे में मैंने फर्स्ट फैक्ट्स में बताया था, इट इज़ द हाइएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन वर्ल्ड, ऑब्वियसली इंडिया में भी हैं, सो इट इज़ द हाइएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन वर्ल्ड, ओके। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इट इज़ इन द लेह लद्दाख, ओके, एंड इट इज़ एक्सटेंडिंग टू ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर, ओके, 160 किलोमीटर, बहुत ही लंबी लेक है। उसका जो वन थर्ड पोर्शन है दैट इज़ इन इंडिया, ओके, एंड टू थर्ड पोर्शन जो है दैट इज़ इन चाइना, ओके। सो मैक्सिमम पार्ट इसका चाइना में है, यहाँ देख लीजिएगा, दिस इज़ द पेंगोंग सू लेक, ओके, दिस पार्ट इज़ इन इंडिया एंड दिस इज़ इन चाइना, ओके। सो दिस पार्ट इज़ इन इंडिया और ये जो बाकी पार्ट है, ओके, सॉरी, दिस इज़ इन चाइना। और अगर हम देखेंगे ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पे LOC है, ओके, यहाँ पे जो चाइना अंदर घुस गया है, ओके, सो LAC, सॉरी LAC, सो उससे और भी कम एरिया इंडिया में रहा है, ओके। यहाँ पे देख लीजिएगा, दिस वाज इन रिसेंट इन न्यूज़, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। यहाँ देख लीजिए, दिस लाइन, दिस द पेंगोंग सू लेक और दिस ब्लैक लाइन, यहाँ तक इंडिया क्लेम करता है LAC, ओके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ तक चाइना जो रेड लाइन है दैट इज़ दिस वन, यहाँ तक चाइना क्लेम करता है कि ये है LAC, और ये जो बीच वाला एरिया है इन दो के बीच में, दिस पोर्शन, ओके, दिस इज़ द ग्रे एरिया, ओके, एंड इज़ द बफर जोन, और यहाँ तक अभी चाइनीज कैंप्स बने हैं,
ये जो 4 नंबर आप देख रहे हो, यहाँ तक चाइनीज़ वालों ने अपने कैंप्स बनाए हैं और यहाँ इंडियन आर्मी ने फिर बनाया, ओके। लेकिन दिस पोर्शन इज़ बफर जोन, और इस बफर जोन में भी चाइना ने अपने कैंप्स बनाए, ओके। सो इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, और क्वेश्चन इसमें आ सकता है किसी भी तरीके से, ओके। सो नाउ लेट अस मूव द सेकंड वन मोर लेक, दैट इज़ द भीमताल लेक। इट इज़ इन उत्तराखंड, भीमताल लेक इज़ इन उत्तराखंड, ओके। इट इज़ द लेक इन द टाउन ऑफ भीमताल इन कुमाऊं डिवीजन उत्तराखंड, ओके। ये भीमताल टाउन में है, कुमाऊं डिवीजन ऑफ उत्तराखंड, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ कुमाऊं रीजन, लार्जेस्ट लेक ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा है, इट इज़ द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ओके। यूएन मैंने आपको बताया था उदयपुर और नैनीताल, ओके, यूनाइटेड नेशंस नहीं, उदयपुर एंड नैनीताल। उदयपुर इज़ द सिटी ऑफ लेक्स एंड दिस इज नैनीताल इज़ द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद है नैनीताल लेक, इट इज़ ऑल्सो इन उत्तराखंड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज नैनी लेक, ओके। इसको नैनी लेक भी बोलते हैं, इट इज़ अ नेचुरल फ्रेश वाटर बॉडी, ओके। नैनीताल टाउन में है ये, ओके, इन द कमून उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड स्टेट में है, ओके। इट इज़ अ टेक्टोनिक इन ऑरिजन एंड इज किडनी शेप्ड और क्रीसेंट शेप्ड, ओके, किडनी शेप्ड और क्रीसेंट शेप्ड। देन रूप कुंद लेक, इट इज़ ऑल्सो इन उत्तराखंड, इट इज़ नोन एज मिस्ट्री लेक और स्किल्टन लेक, ओके, एंड इट इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक, ओके, इन उत्तराखंड। इट लाइज इन द लैप ऑफ त्रिशूल मासिव, ओके, त्रिशूल मासिव, तीन पहाड़ के बीच में है ये, ओके। देन इज़ द गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, ओके, एंड मैंने बोला है इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। अब गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रिहान डैम, इट इज़ लोकेटेड नियर पिपरी विलेज इन सोन भद्रा डिस्ट्रिक्ट। एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें ये लेक गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज़ इन द सोन भद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके। और इसका जो रिजर्वायर एरिया जो है ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इट इज़ लोकेटेड ऑन रिवर रिहांद, ओके, रिहांद डैम, ओके, जो हमने देखा रिहांद पे है, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, ओके। और इसका जो कैचमेंट एरिया है दैट एक्सटेंड्स ओवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बट इट सप्लाइज इरीगेशन वाटर ऑल्सो टू बिहार, लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ द रिवर रिहांद, ओके। सो दिस इज अबाउट द गोविंद बल्लभ पंत सागर, विच इज़ द लार्जेस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑन द रिवर रिहांद, ओके, एंड इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट सोन भद्रा डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिहांद डैम, ओके। इस पर एक क्वेश्चन भी देखूंगा, दिखाऊंगा मैं आपको, विच रिवर वैली प्रोजेक्ट हाउस इज द गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर। सो कौन सा रिवर है, राम गंगा, रिहांद वैली प्रोजेक्ट, कोसी, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट, इट इज़ द रिहांद रिवर, ओके, और इसको क्या बोलते हैं, रिहांद डैम भी इसको बोलते हैं, ओके। द रिजर्वायर क्रिएटेड बाय द रिहांद वैली प्रोजेक्ट इज नोन एज गोविंद बल्लभ पंत सागर। दिस प्रोजेक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट ऑफ यूपी, ओके, बिल्ड अक्रॉस रिवर रिहांद, विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सोन, ओके। सो दिस इज अबाउट द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट इंपॉर्टेंट लेक्स, ओके। सो कुछ लेक्स हमने ब्रीफली डिस्कस भी की हैं और मोस्ट ऑफ द लेक्स मैंने दिखाई हैं इन स्टेट्स की। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, उसमें हम वेस्ट, ओके, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट पार्ट और साउदर्न पार्ट डिस्कस करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ वेस्ट, और उसी के बाद हम बाकी पार्ट्स भी देखेंगे। सो इससे क्या होगा, आपको हम इसको सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे और फिर इस हिसाब से आपको याद भी रहेगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आपको कुछ भी पूछना है आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको अच्छा लगे शेयर दिस एंड ऑल्सो से मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।